हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, कल मार्केट कैसा रहेगा सबको टेंशन है, क्योंकि आज भी निफ्टी सेंसेक्स ऊपर गए थे बट फिर से गिरावट हुई। बट आज फिर से सपोर्ट लेकर फ्लैट क्लोजिंग दी है निफ्टी और सेंसेक्स ने, और कल मार्केट में धमाका हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी यूएसए मार्केट और यूरोप मार्केट सभी पॉजिटिव में है। जापान मार्केट तो 10% प्लस में क्लोज हुआ, जो कि पूरा रिकवर हुआ। डाउ जोन्स 0.90% अप है, नैसडैक 1.10% अप है, S&P 500 1.20% अप है, और स्मॉल कैप 2000 इंडेक्स 0.80% अप है। आशा करते हैं कि मार्केट क्लोज होते होते यूएसए का भी पॉजिटिव क्लोज हो, तो कल का मार्केट हमारा भी धमाकेदार ओपनिंग दे सकता है। एक्चुअली आज की जो तेजी थी सपोर्ट से, निफ्टी ने और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने बाउंस बैक किया था, बट सबके लोगों के मन में डर क्या है कि आज का दिन भाई और देख लेते हैं यूएसए मार्केट में क्या होता है। यूएसए मार्केट पॉजिटिव रहा तो कल से हम लोग तेजी करने के लिए फ्री हो जाएंगे, इसीलिए भी मार्केट में आज फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और फिर से निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग दिया। बट आपको और एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि निफ्टी का इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, तीनों भी इंडेक्स एग्जैक्टली 50 डीएमए के 50 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर आज क्लोज हुए हैं। इसके नीचे गए तो ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके ऊपर जाएंगे तो फिर से तेजी धीरे धीरे आ सकती है। बट ये स्ट्रांग सपोर्ट पर 50 डेज मूविंग एवरेज काफ़ी बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि तीनों इंडेक्स ने 10 डेज मूविंग एवरेज 10 DMA सपोर्ट तोड़ दिया, 20 DMA तोड़ दिया, और 50 का सपोर्ट टूटना ये बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है। तो 50 DMA के सपोर्ट को तीनों इंडेक्स ने तोड़ा नहीं है, ये पॉजिटिव बात है। इसीलिए दो दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ओवरबॉट जोन में सभी इंडेक्स चले गए थे, तो एक बार करेक्शन होकर फिर से नए रैली के लिए जाने के लिए ये करेक्शन होता ही है। उसके लिए कोई ना कोई बहाना मार्केट ढूंढ ही लेता है, तो रिसेशन का बहाना ढूंढ लिया और उसके कारण जितना फ्री फॉल देखने को मिला है। बट लगता तो है कि कल से मार्केट फिर से पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ा सा हमें हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट अभी इवेंट जो है चल रहा है वो है MPC की मीटिंग, रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो MPC मीटिंग का आउटकम 8th August को आएगा, 8 August को आएगा मीटिंग का आउटकम। इसमें अगर रेट कट की अनाउंसमेंट होती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेगा इस बात को। और इसी दरमियान दो दिन में अगर यूएसए से कुछ रेट कट की न्यूज़ आ जाती है तो हो सकता है RBI के ओर से भी रेट कट का अनाउंसमेंट हो, या फिर कोई चेंज ना हो, ये भी पॉसिबल है। बट RBI गवर्नर मिस्टर दास क्या कमेंट्री करते हैं इस पर भी सबका ध्यान रहेगा, और इसीलिए ये सब बात को देखते हुए एक दो दिन मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज या इस सपोर्ट को होल्ड करेगा या थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाएगा। बट हो सकता है 8 तारीख के बाद में क्लियर कट डायरेक्शन में मार्केट फिर से रिकवरी दिखाना शुरू कर सकता है। इसीलिए मंदी में, जैसे मैंने कहा आपको, मंदी में सबको मंदी दिखती है, तेज़ी में सबको तेज़ी दिखती है, हमें रहना है न्यूट्रल। बट इसीलिए कोई जल्दबाजी करना नहीं है, वेट करना है, भले एक दो दिन जल्दबाजी में बहुत हेवी बाइंग नहीं करना है। जिस स्टॉक को हम लोग बाय करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा हर गिरावट में आप एवरेजिंग करके बाय कर सकते हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अच्छा मौका होता है खराब शेयर जो होते हैं पोर्टफोलियो के वो निकाल देना है, फंड फ्री रखना है, और जैसे ही तेज़ी शुरू होगी फिर से मार्केट में रिकवरी शुरू होगी, आप अच्छे शेयर में पैसा लगाकर फटाफट अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। और ऐसे कौन से स्टॉक है जो मल्टीबैगर रिटर्न देंगे, ऐसे कौन से स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म में फटाक से रॉकेट बनकर ऊपर जाएंगे, तो हम लोग आपको ऐसे स्टॉक बता सकते हैं, या आपका पोर्टफोलियो आपको मैनेज करवाना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को टाइम नहीं होता है पोर्टफोलियो देखने को, तो ऐसे हम शेयर बताएंगे जो आप बाय करके भूल जाओ, एक साल में 100% से 200% का रिटर्न आपको वो शेयर दे देंगे, ऑटोमेटिक आपका पोर्टफोलियो बढ़ते रहेगा। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, 9545850000 इस नंबर पर आप पूछ सकते हो। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है कि यूएस मार्केट बस आज पॉजिटिव क्लोज देना चाहिए, तो कल से हो सकता है हमारा थोड़ा सा जो डर का माहौल है मार्केट से ख़त्म हो जाए और फिर से बाइंग का माहौल हमें मार्केट में देखने को मिले। तो
देखते हैं कल क्या होता है, बट हो सकता है कल से फिर से थोड़ी सी पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिले, क्योंकि यूएस मार्केट के लिए आज हमारा मार्केट रुका था और इज़राइल और ईरान, इन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था 24 आवर्स का, उसके लिए भी मार्केट रुका था कि अभी कुछ होता है क्या, तो उसके बारे में भी आउटकम रात तक आ जाएगा। मतलब कल मार्केट खुलते वक्त हमें यूएस मार्केट का भी इंडिकेशन मिल जाएगा और इज़राइल ईरान में कुछ नया कुछ डेवलपमेंट होता है क्या उसका भी इंडिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद में बचेगा सिर्फ एमपीसी मीटिंग का, जिसमें मार्केट को उम्मीद है कि रेट तो बढ़ेंगे नहीं, एक तो रेट चेंज नहीं होंगे या थोड़ा बहुत रेट रिडक्शन हो भी सकता है, ऐसे अंदाज लगाया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, बट ओवरऑल लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी और फिर से मार्केट रिकवर होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहती वर्ल्ड की या सेंट्रल बैंक नहीं चाहती है कि मार्केट ऐसे क्रैश होंगे, तो अल्टीमेटली उन पे उंगली उठाई जाती है, तो उसके लिए इमीडिएटली करेक्टिव मेजर्स उनके ओर से लिया ही जाएगा सो दैट इकोनॉमी पे उसका कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स।